हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक ईडी वर्ल्ड। दोस्तों, मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। और आज के इस एमएस एक्सेल के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डेटा वैलिडेशन की हेल्प से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। दोस्तों, जो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे ना, उसका डेटा होगा अलग सीट पे और हम लिस्ट बनाएंगे अलग सीट पे। ठीक है, सीट वन पे हम गए, यहाँ पे देखा कि मैंने उन सभी सब्जेक्ट के नेम टाइप कर रखे हैं जो आप हमारे चैनल दीपक ईडी वर्ल्ड से फ्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, सीट टू पे हम गए और यहाँ पे मैंने उन सभी सब्जेक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर रखी है। दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हो एमएस ऑफिस 2007 तो वहाँ पे ये लिस्ट कुछ अलग तरह से क्रिएट होती है। अगर आप यूज़ करते हो एमएस ऑफिस 2010 या 13 या 16, इन तीनों में एक जैसे क्रिएट होती है। और 10, 13, 16 के अंदर ये लिस्ट क्रिएट करना बहुत आसान है। 7 के अंदर इसका अलग तरीका है, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा कि 7 में हम कैसे क्रिएट करेंगे और 2010, 13 या 16 के अंदर ये लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। मैंने वीडियो कुछ पब्लिश कर रखे हैं ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कमेंट्स में कि सर ये लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। शायद वो लोग 2007 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से उनको दिक्कतें हुई। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को आप देखिए और आप आसानी से इस तरह की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल 2010, 13 एंड 16 के अंदर ये लिस्ट कैसे बनाओगे, क्योंकि इन तीनों के अंदर ये लिस्ट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए, हमने कर लिया सेल सेलेक्ट कि हमें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके बाद डाटा मेन्यू में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है लिस्ट और उसके बाद सोर्स में हम क्लिक करेंगे। फिर कौन सी सीट पर आपका डाटा है वो जाके सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी देखिए, हम एक्सेल, मेरे पास एक्सेल 2010 है। ओके, तो हम किसी भी शीट पे आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करोगे 7 तो आप किसी भी शीट पे मूव नहीं कर सकते, वहाँ पे अलग तरह से ये लिस्ट क्रिएट होगी। चलिए, हम गए सीट 1 पे और यहाँ से मैंने ये डाटा सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए आप, यहाँ पे ये लिस्ट बन गई, आ गई ना लिस्ट। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आसान है। मेरे पास जो वर्जन है जिसमें मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ, ये है 2010। ओके, मेरे पास 16 वर्जन भी है, यहाँ पे ये देखिए 16 वर्जन भी मेरे पास है। तो मैंने इसके अंदर भी चेक किया, ये सभी के अंदर सही अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप 2007 के अंदर ये लिस्ट कैसे बनाओगे, क्योंकि वहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट करने का तरीका कुछ अलग है। चलिए वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए आ गए हम शीट 1 पे। ठीक है, अब हमें एक काम करना है दोस्तों, हमें जिस रेंज की लिस्ट बनानी है ना, हमें उस रेंज को, उस डेटा रेंज को किसी नेम से सेव करना होगा। और अगर हमें कोई डेटा रेंज किसी नेम से सेव करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला मेन्यू में डिफाइन नेम ऑप्शन का, जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा रेंज को किसी नेम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिफाइन नेम, नेम मैनेजर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे मैंने इनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनको देखिए। एमएस एक्सेल के बहुत मज़ेदार फीचर हैं। ठीक है, चलिए हमें यहाँ से लेना है डिफाइन नेम और ये पॉपअप आएगा तो इसमें नेम के अंदर आपको टाइप करना है कि आप किस नेम से इस रेंज को सेव करने वाले हो। कोई भी नेम दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, बस ये याद रखिए नेम, क्योंकि बाद में हम इसको यूज करेंगे। और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि स्कोप, कि जो ये रेंज आप ऐड करने वाले हो ये कहाँ कहाँ वैलिड रहेगी। कंप्लीट वर्कबुक के अंदर वैलिड रहेगी, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो मैं इसको कंप्लीट वर्कबुक कर लेता हूँ कि इस वर्कबुक के अंदर आप इस रेंज को कहीं भी इस नेम से यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये रेंज ले ली, इस रेंज की मेरे को लिस्ट क्रिएट करनी है तो ये रेंज मैंने सिलेक्ट कर ली और कर दिया ओके। अभी होगा कुछ नहीं, ये रेंज सब्जेक्ट नेम से ऐड हो गई है। चेक करने के लिए आप नेम मैनेजर के अंदर जाके देख सकते हो कि सब्जेक्ट नेम से ये रेंज आपकी ऐड हो गई है। इसको बेशक बंद कर दीजिए। हमें अब जाना है कि कौन सी सीट पे आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो मान लीजिए हम सीट 3 पे बना लेते हैं। तो आपको कहाँ बनानी है, यहाँ पे बनानी है, क्लिक कर लिया। उसके बाद जाइए डाटा मेन्यू में और क्लिक करिए डाटा वैलिडेशन। उसके बाद यहाँ से ले लीजिए लिस्ट और सोर्स के अंदर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल और उसके बाद आपने जो रेंज सेव की थी वो किस नेम से सेव की थी, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको वो नेम देना है और बस ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे तो ये देखिए आपकी लिस्ट यहाँ पे बन के आ गई है। तो दोस्तों, ऐसे हम बनाते हैं लिस्ट एमएस एक्सेल 2007 के अंदर। ये फॉर्मूला आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एक्सेल 2007 हो, 10 हो, 13 हो, 16 हो।
हालांकि 10, 13 एंड 16 के अंदर इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, वहाँ पे नए फीचर्स हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन रखनी हो, अच्छा एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं सीट वन पे गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कुछ और लिख दिया, ठीक है, मैंने ट्रेनिंग ऐड कर दिया, तो वहाँ पे जब आप जाओगे लिस्ट के अंदर तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक मिल गया आपका। मतलब जो रेंज आपने ये ली है ना, ये वाली ऐड कर रखी है, इसमें कहीं चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक आपका लिस्ट के अंदर वो चेंज हो जाना है। बट अगर आप कुछ नए इसमें सब्जेक्ट ऐड करते हो, कुछ आगे रिकॉर्ड ऐड करते हो, तो वो आपका लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ टाइप कर देता हूँ, ये लीजिए, तीन टाइप कर दिए, हम गए लिस्ट के अंदर और यहाँ पे जाके चेक किया एमएस एक्सेस लास्ट है, यहाँ पे कोई स्क्रॉल डाउन वो नहीं आ रहा, स्क्रॉल बार नीचे जाने के लिए, ठीक है। चलिए हमें इस लिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें दिखानी है जो हमने यहाँ पे ऐड की हैं। उसके लिए हमें जाना होगा फिर से फॉर्मूला मेन्यू में और नेम मैनेजर के अंदर जाना है। सब्जेक्ट, हमारी जो लिस्ट थी वो सब्जेक्ट के नेम से सेव थी, हमें ये सिलेक्ट करके एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये रेंज जो हमने लिया ना, ये रेंज आप फिर से ले लीजिए और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ले लीजिए। इस बार मैंने यहाँ तक दे दिए कंप्लीट, ओके कर दीजिए, बस इसको बस क्लोज कर दीजिए और सीट थ्री पे जाके अपनी लिस्ट चेक करिए। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आ गया क्योंकि ज़्यादा आइटम हो गए हैं यहाँ इस लिस्ट के अंदर, ये तीनों आपके यहाँ दिखाई दे गए हैं। तो इस तरह से हम अपने लिस्ट के अंदर एडिट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर प्रोटेक्शन करनी हो, आपको अपनी जो लिस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना हो कि आपकी जो लिस्ट बनी है इसमें कोई चेंज ना करे, तो उसके लिए आप इस सीट पे प्रोटेक्शन लगा सकते हो। कहाँ से? होम मेन्यू पे जाके प्रोटेक्ट सीट आप यूज़ कर सकते हो, प्रोटेक्ट सीट एंड लॉक सेल, इनका उपयोग आप कर सकते हो। यूज़ नहीं करना आता तो वीडियो के नीचे इनके लिंक मैंने दे रखे हैं, वहाँ से सीखिए इनको आप, ठीक है। या फिर आप सीट को हाइड भी कर सकते हो, मान लीजिए राइट क्लिक करके मैंने सीट को हाइड कर दिया तो सीट वो आपको दिखाई नहीं देगी जहाँ पे आपका लिस्ट का डाटा था, केवल आप लिस्ट यूज करिए, ठीक है। तो आपने सीट हाइड कर रखी है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट एमएस एक्सेल 2007 के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कोई समस्या होती है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मुझे लिखिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है तो आपको। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।